अब नाम बता तेरा। अमन। पिता का? गांव में पप्पू पप्पू बोलते हैं ऐसे। ठीक है, गांव में कहाँ पे रहता है? बेटा ये तेरे घर के अंदर देख, मैं अगर तेरी परेशानी देखता हूँ तो तकरीबन आज परेशान होता, तुझे 12 साल हो रहे घर के अंदर। ठीक है, 12 साल इसलिए हो रहे हैं, वैसे ये प्रॉब्लम है तेरे घर के अंदर 14 साल से, और ये प्रॉब्लम चली है तेरे घर के अंदर पापा के थ्रू। ठीक है, तेरे पापा की तकलीफ रह चुकी है, मॉम की भी रह चुकी है, रिश्ते में ऊंच नीच काफी चल रही है, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ढूंढ रहे हैं मारने टाइप में होता है ना, कि गुंडागर्दी करना चाहते हैं तेरे परिवार के साथ में, क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट गलत है उस चीज में, ऐसा लगता है कोई फीमेल के रिगार्डिंग कोई मैटर है ये। ठीक है, और जैसे ही तेरे पापा ने या किसी ने हेल्प करी परिवार में से कि चल कोई नहीं बच्ची है तू हम देख लेंगे, ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से सारा कांड शुरू हुआ, हालांकि जिसके लिए आवाज उठाई थी वो आवाज भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो भी तुम्हारे विरोध में। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुई मुठभेड़ शुरू। ये तेरे साथ में जो चल रहा है इसे कहते हैं हम लोग सिफली जिन के लम। ठीक है, ये हमारा एक मंत्र होता है जिसमें हम जिन्नात चढ़ाते हैं छाती पे। ठीक है, ये जो तेरे प्रेत चढ़ता है ये यहाँ से लेके यहाँ चढ़ता है। ठीक है, इतने में चढ़ता है, लेकिन इसे चढ़ने के लिए ना एक औरत की जरूरत होती है घर के अंदर, कि चढ़ेगा यानी कि जो प्रॉब्लम शुरू हुई होगी घर में किसी फीमेल के शुरू हुई होगी, फिर वहां से ये तेरी बहन में घुसी और बहन से अब तेरे में आ गया, ये एक साथ चलता है। अभी तो मेरे पास बैठा है तो ये आ रहा है, क्योंकि ये अक्सर क्या करता है भक्तों के पास जाते भाग जाएगा। ठीक है, छुपा लेगा, इसे मसान का सहारा मिल जाता है, कभी किसी का मिल जाता है, जैसा भगत वैसी बोली, सॉल्यूशन नहीं निकल के देता। 2014 के अंदर छाती पे ऐसा दबा पड़ा पंजे की तरह से, उसके बाद से तेरे साथ चिपट गया और ये तब से ही चल रहा है। ये आंखों में ऐसे चलता है कि बहन हो बेटी हो कोई भी दिख जाए गलत नियत कर देगा, एक्सरे कर देगा, बिना कपड़ों के तक इमेजिन करवा देता है। ठीक है, खुद को गलत दिशा में चलवाता है तुझे ये। इसके बाद मैं देखता हूँ कि 2017 में तकरीबन 16 तारीख को, ये तेरा महीना है अगस्त का, ठीक है, 3:47, इस टाइम में कोई वाद विवाद हुआ है, जिस वाद विवाद के अंदर दोबारा ये चढ़कर आया है। इसका मतलब कि ये जो शक्ति तेरे साथ चलती है ये वाद विवाद करवाती है, काम फंसाती है, शरीर का नुकसान करती है, मेंटेलिटी अनस्टेबल कर देती है। किसी देवी देवता की सेवा में भी है तू, शनिदेव महाराज की सेवा में चल रहा है। बेटा सबसे बड़ी गलती है कि तेरे शरीर के अंदर ये रम रहा है, ब्लड में चल रहा है, और ये जब ब्लड में चलता है तो छोटी छोटी सी ऐसे करके चलती है। ठीक है, हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आज ना, कब से वीडियो देख रहा है मेरी? नहीं तो सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे? तूने तो रमा लिया ना इसे, तूने अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। या तो इसको कटवाना तो प्रॉपर कटवाते बड़ी सख्ती से, तुमने इसे छेड़ दिया है। अब छेड़ने के बाद क्या, तू जैसी मेरी आंख में देखता है ना, अभी भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं रहा, इसलिए शरीर के अंदर दबाव बन रहा है। ठीक है, ये अकेला नहीं चल रहा तेरे साथ में, ये तो ये है, इसे कहेंगे हम लोग कालिया जिन। जिन वो जिन जो मजाड़ के होते हुए भी तंत्र में मारन और सटकर्म करने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इन जिनों को हम लोग बहुत खतरनाक मानते हैं, ये बहुत डेंजरस होते हैं, डीजिन में गिने जाते हैं। आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले डीजिन का एक केस आया था जिसकी हालत इतनी बुरी थी कि हम उसे बचा ही नहीं पाए, क्योंकि वो लड़के ने ऑलरेडी इतने भक्तों को दिखाया, और जब मेरे तक आया तो पूजा के बाद ये मान ले पूजा के, तो वो महीने और 1.5 महीने से ही रहा, फिर जिस भगत के वो कॉन्टेक्ट में था उसने उसे इतना डराया फिर एक उतारा कर दिया और वो लड़का खुद निकल गया। ये जिन ऐसा करते हैं, ये मार देते हैं तेरे को भी सामने वाले को भी, एक गलती और खत्म, तेरी बुद्धि तक इसने ऐसी कर रखी। अच्छा 2018 के आसपास तेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? ये क्योंकि तेरी बाइक जो चल रही है, एक्सीडेंट के इसलिए जिक्र करता हूँ कि तेरे जो हाथ है ना स्टक होते हैं, रुक जाते हैं एक जगह पे, या तो ऐसे दिखेंगे जैसे डिवाइडर आ जाएगा तो मुड़वा देगा हाथ, या कोई एक्सीडेंट वाली दुर्घटना होगी तो उस तरफ चलवा देता है, ऐसे करता है ये तेरे साथ। तेरी नाभि में भी हल्की हल्की खुजली टाइप की होती है, मीठी खुजली होती है इसमें, और यहाँ से जैसी खुजली होगी तो समझ जाएगा तेरे साथ आ गया ये। ठीक है, क्योंकि घुस जाता है, कुछ उतारे कर लो ज्यादा आराम पड़ता है तुझे हफ्ता, और अब हफ्ता भी नहीं पड़ रहा, अब तुम मत्थे भी टेक रहा है मंदिरों में, व्रत भी रख रहा है, मेरे को व्रत तक आ रहा है, सब अच्छा कर रहा है, एक टाइम को दर्शन भी होने लगे हैं। ठीक है, लेकिन ये कटता ही नहीं है। मेन तो तेरे पे शिव कृपा बेटा, भोलेनाथ की कृपा है। बकरे कलेजी लगा तो समझ आई, टफ कर लिया है सिचुएशन, सारे परेशान हो। पितरों में मैं अगर देखता हूँ, इसने तेरे पितर लेके बैठा पड़ा है, सारे लेके बैठ गया,
साथ ही साथ किसी तरीके का कोई पंडित से पूजन हो रखा है, किसी पंडित को बुला के कोई पूजा पूजा करवाई थी क्या? एक पहले पंडित था तो बोला कि मतलब बजरंगबली को पूजन का करवाओ, वही मतलब राय राय दे रहा था, वही उससे जाके करवा था बजरंगबली की वजह से और माता और माता और सबकी उपस्थिति थी। और हाँ एक बोला तो राज है मेरे गांव की साइड है बोलता काली आती उससे भी लगवाया था, तो उससे भी उसके भी सामने ऐसे ही आके मतलब वही अपने पूजा पाठ करवा के घर में एक नारियल तक बिठवा दी थी कि आराम मिल जाएगा पूजा पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन आराम नहीं मिल रहा बहुत ज्यादा हफ्ते में करो। नहीं तो ये तो तेरा टफ इतना टफ हो चुका है केस, तूने ना इस केस को खराब करवा दिया है। मुझे कोई अच्छा ऐसा रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तेरी पूजा पकड़ी हुई है किसी ने पहले तो ये बता, पुष्टि किसी ने करी है सही से इसकी? वही बार मतलब एक तो हद से बताया था मुझे, क्या बताया था उसने? यही बस जिन जिन बताते हैं ये सभी को यही बताता है क्या? तेरे पे जिन्ना रहे, तेरे पे पांच प्रेत है, तेरे पे दस प्रेत है। बोला कि आज बार आओ, आज बार आज मुझे कम से कम को 50 बार हो चुके जाएंगे। कट नहीं रहा, कट नहीं रहा। अब अभी भी जाता हूँ तो कोई सुनवाई नहीं होती, मैं थक हार गया वहाँ से, मैं तो जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, जाऊँ तो कहाँ फिर उसके बस आपकी वीडियो देखा मुझे लगा कि कुछ अच्छा। तेरा ही मैसेज आया था कि अब बढ़ते रही मत, तुम्हारी वीडियो देख के थोड़ी हिम्मत सी बढ़ी है, वो तो तेरा ही व्हाट्सअप था, वो मैंने देखा था उस टाइम मैं पूजा में ही बैठने जा रहा था। हाँ पता नहीं कौन है भाई, तेरी बहन के साथ तो ये गलत करता है, उसके बहुत गलत जगह बैठता है ये। ये रमा लिया ना, ये गिन के कम से कम 4 चीजें चल रही है अब तेरे साथ में। अच्छा ये किसी तरीके का मरगट में कोई सैनिक दे के आया था तू? हाँ ये एक दिन था ना 2000 जब वो क्या तो लॉकडाउन लगा था ना, तो मुझे मुसलमान कुछ दिया था, बोला इसको कर दे, मुझे नहीं पता था मेरे अंदर ही चल रही, इतने मैं बीमार हो गया था लेकिन मुझे 100 मीटर चलना पड़ जाए मैं चल नहीं पा रहा था, उसने मुझे कुछ दिया था, बोला जाके शमशान में गाड़ के आया था, रात को 8 बजे गया था, 8 बजे गया तो वहाँ पे गाड़ के दिया आया, अंधेरा तो कोई नहीं था वहाँ पे, एक तरफ तो मेरी फट भी रही थी वहाँ पे जाने के लिए और एक तरफ फट भी रही थी, तो और चीजें भी लिया ना ठाके और। देख मेरी आंख में देख थोड़ा सा, ठीक है इसको मैं खींचता हूँ ऊपर की तरफ, इसके पीछे जो फीमेल है मैं इसे लाता हूँ, ठीक है? संदीप नाम था क्या था? अमन। राजा खुल के आ ऊपर आ, बता क्या दिक्कत है तुझे, बता क्या दिक्कत है, इधर सारा है भैरव बाबा का। अमन इधर सारा है भैरव बाबा का, कुछ भैरव का कुछ क्रिया विरिया कुछ भोग प्रसाद कुछ दिया है क्या? दादा भैरव नाथ का किसी ने कुछ करवाया हो या कोई इसका भगत टकराया हो जिसने भैरव के नाम से काली के नाम से वैसे बिठाई है जोड़े में चीज, क्योंकि इसे भैरव बाबा से सारा मिला पड़ा पूरा, इसके साथ भैरव चल रहा है। सच्चाई हमारे बताते पूर्वज में एक खान में बनी अघोरी की, बोलते कि हमारे जो 2-3 पीढ़ी बाबा के बाबा बाप के ऐसे कुछ उतने अघोरी आते थे, वो भी ऐसे काम करते थे, मतलब कुछ उनको वही नहीं दिल्ली चला ना कोई नाम सुना नहीं। नहीं नहीं अघोरी बाबा जो है वो तुम्हारे इसको कहते हैं गंगाराम अघोरी को, ठीक है ये ध्यान या देव है वो दिख गए मुझे क्लियर है साफ सुथरा वो अभी, लेकिन इसे आपको इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा क्योंकि वो भी जानता है कि इतनी बड़ी चीज से टक्कर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे फौज है बहुत बड़ी, भैरव बाबा की जो फौज है, गंगाराम अघोरी बहुत बड़ा देवता बहुत बड़ा, लेकिन वो बड़ा तब है जब उसका भगत कारगर उस लायक तो ये हथियार देता है, यहाँ ऐसे दादा भैरवनाथ का ही सारा लगा पड़ा है, इसलिए इसकी काट नहीं हो पाती, जब तुम कोई क्रिया करवाते हो भैरव प्रोटेक्शन कर देता है तुरंत, तो बाबा भैरव की वजह से तेरी जो क्रिया ये रम गई ब्लड में, इसलिए तुम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे और क्रिया तुम शनिदेव से करवा रहे हो किसी से भी करवा रहे हो। ऊपर से एक चीज और, ये हट जाता है जो तेरे में आ रहा है, इसके पीछे जो ये औरत रहती है ना ये फिर नाखून गाड़ने शुरू कर देती है, फिर ये आती है और यही चीज मेन है, अगर तू इस फीमेल और भैरव बाबा को हटा लेगा पीछे तो ये जिन्ना हटने में ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 दिन लेगा, लेकिन अगर ये हटे तो, क्योंकि इसे जो चुड़ैल टाइप की जो चीज है, देख मैं इसे चुड़ैल नहीं कहूंगा क्योंकि इसने जीते जीत सेवा कर रखी है बहुत भयंकर, होता है ना माता रानी में इतना लीन हो जाना, इसको शक्ति मिली पड़ी है, ठीक है? और ये चीज तेरी बॉडी के अंदर प्रवेश करी है किसी तरीके की मिठाई से, जैसे कोई मीठा कुछ खिला देते हैं ना इस तरीके के लड्डू दिखते हैं मुझे, उस तरीके के तेरे को खिला रखा है इसका, क्या ये चीज पॉसिबल है कि उस टाइम के टाइम लाइन में कोई आई हो कोई फीमेल इस लड्डू को लेकर आई हो जो रिश्ते में कोई औरत वरत हो तेरे?
ये इससे पहले थोड़ा सा बिहाइंड जाएंगे तुम। कुछ याद कर, किसी ने कुछ खिलाया था क्या? जिसका नाम पी से आता है। कोई रिश्तेदार में पूनम नाम की है क्या? रिश्तेदारी में पूनम नाम की है क्या? इस चीज को चेक कर लियो, कॉल करके पूछ लियो कि भैया मैंने पूरा नाम किया, डेफिनेटली निकल जाएगी। हाँ रिश्तेदारी में, ठीक है। ये फीमेल तो यहाँ से चला रख के बहुत अच्छी चलती है, अच्छी रखती है। तेरे पास क्या कर रही है? मेरे पास होनी चाहिए। नहीं हम लोगों को काम, भाई हम तांत्रिक लाएंगे, हमें काम किए ऐसे कैसे थक हार गया, टेंशन क्यों लेते हैं? पता नहीं कितने दिखाए, बोलते हैं कोई कुछ बताता कोई कुछ बताता है। और मैं सच्चाई बताऊं, अगर मैं भी जिसके जिसके मतलब गांव में जितना भी दिखाया, जिसके पास गया, अगर मेरे पास हावी होता था तो उसे जाने मतलब ये यहाँ के नहीं बोल रहा। ये काबू करके बैठा हुआ बेटा तेरे पे, मतलब मुझे पूरा होश आवाज रहता है। बस ये इतने जो आप बता दो वो करेक्ट बता रहे हैं, कि कभी खुल के नहीं आएगा क्योंकि रमता है ना, ना भी से चलता है। और एक 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 जगह गया था, ये वो भी बता रहे थे गांव में तो भैरव भैरव आते हैं उसके उसके गए थोड़ा ना, पता नहीं कितना नहीं तोड़ा फोड़ा ये फिर बहुत मजा लगा उसके बाद। उसने बता दी कोई देवी है, देवी देवता ऐसा करेंगे, मानता देवता तो चल रहा है। अच्छा सच्चाई बताऊँ तो मेरा हर एक अंग मतलब खराब पड़ा है, अंदर की बात बता रहा हूँ, आप जान गए। ये तो होएगा बेटा, किसी ने सटीक पुष्टि करी? ना ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपसे भी पर ज्ञान पाया हूँ, तो कोई आज तक नहीं कर पाया। बस एक ही चीज, बस एक ही चीज़ बता रहे, बस आप वहाँ पे गए संजीराम बोलते तो कुछ नहीं। मैं वो जो कहते गौतम नाम है, हाँ गौतम, वो कहता था मतलब 10-15 दिन जाऊँ कराऊँ कुछ नहीं तो ठीक हो गया। तो जैसे 15-20 दिन बीते या मतलब 25 दिन बीते फिर आते थोड़ा बाकी 85%। अभी मैं कल भी होके आया, कल हो कर आया, क्या बताया उसने? कहाँ बताते हैं, उनके पास जाने का मौका नहीं मिलता, लात नहीं लगता, बस ये सामान दे तो हम करो बस हो गए। इलाज वालों की अलग लाइन है, उनमें कुछ भी नहीं करते वहाँ पे, तभी तो मैं हाथ नहीं धरते, मैं कहता कि कुछ नहीं होगा मेरा। चला दिखा रहे कुछ अगर कुछ हो, मैं कई दिन सब कोशिश कर रहा था तब तक कि आपसे मिलूँ आपसे मिलूँ आपसे। आज मेरा चैनल बूढ़े घूम गया, आपके पास फोन किए और दीदी सिस्टर जी उठाया फोन, चलो फिर फिर मैं सच में तो वहाँ चला ना तो मेरा मूड बदला, मेरा मूड बदल गया वहाँ से।